अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो ट्यूसडे और वेडनेसडे की है, छोटी है, बट मैंने सोचा जैसे ही है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो का स्टार्ट मैंने अपने ट्यूसडे मॉर्निंग से किया था, नाश्ते से, जैसे आप लोगों ने देख लिया है और आगे भी आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहाँ तक आ गई। बीच में मैं क्या नाश्ते के बाद आइसक्रीम भी खाई थी? नहीं फ्रेंड्स, लंच हो गया था तो मैं मीठा लेके आई थी। मैंने कहा चलो मैं मीठा है स्टार्ट करती हूँ, लंच में आपको क्या दिखाऊँ, हर दफ़ा दिखाती हूँ। तो ये मैं आइसक्रीम लाई थी, इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम और कोकोनट डाल दिए थे, क्योंकि मैं कोई भी आइसक्रीम हो ना उसके ऊपर ये तो ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बच्चे स्कूल से आ गए थे और ये कुछ कार्टून्स बना के लाए थे, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा रेहान का बटन लगा था यूट्यूब का, जिस पर उसने मेरा नाम चैनल का लिखा था। उसके बाद मैं ग्रोसरी करने चली गई थी, और ग्रोसरी करते करते रास्ते में मुझे यह हेलीकॉप्टर नज़र आ गया। बहुत कोशिश की थी कि इसकी लैंडिंग की पूरी वीडियो बना लेती, पर बीच में ये ट्री वगैरह आ गए थे। काफ़ी सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सिस्टर अपना टीवी लॉन्च दिखाइए, अपना टीवी लॉन्च दिखाइए। कईयों को तो मेरा वॉल स्टिकर बहुत अच्छा लगा है, इंशाल्लाह जल्दी ही दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, हमेशा मेरी वीडियो पे देखते हो, पर टूर नहीं मैंने किसी चीज़ का कराया। बस थोड़ा वेट कीजिए, मैं थोड़ी सी चीज़ें और मंगा रही हूँ, तो फिर इंशाल्लाह जैसा है मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाकी ये जो मैंने वॉल स्टिकर कहाँ से लिया, कितने का मुझे पड़ा है, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से इसको ऑर्डर किया था और कितने का मुझे पड़ा। यहाँ मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। हो सके तो मेरी छोटी सी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगी, कि मैं 5 से ज़्यादा नहीं लूँगी आपका टाइम। ग्रोसरी मेरी हो गई थी, ग्रोसरी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, मैंने सिर्फ आटा चावल लेने थे, दैट्स इट। उसके अलावा बस मिकाइल अपनी शॉपिंग करनी थी, और वो जैसे सोच रहे मैं क्या क्या लूँ क्या ना लूँ, तो यहाँ पे बस वो यहाँ लग गया, तो मैंने कहा चलो अभी यहाँ पे लगा है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो वापस हम गाड़ी में आ गए थे, और साथ ही रेस्टोरेंट था तो इसके काफ़ी अच्छे यमी होते हैं, चना चाट, ये समोसा चाट, हाँ काफ़ी मज़े का होता है। तो फिर हम जब आए तो सोचे चलो खा भी लेते हैं, कौन सा इतनी आसानी से बार बार इतनी दूर आया जाता है। तो बस यहाँ पे हम दोनों और नहीं तीनों चाट इन्जॉय कर रहे थे। शाम हो गई थी घर आते आते, तो घर आके मैंने इसको मुसव्वर को होमवर्क भी कराना था। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है मुझे इन दोनों के नाम, मिकाइल और मुसव्वर में। कभी मैं इसको मिकाइल कह देती हूँ, कभी उसको मैं मुसव्वर कह देती हूँ। खैर चले, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा मुसव्वर कौन है और मिकाइल कौन है। होमवर्क बड़े आराम से इसने कर लिया था, पर तंग बहुत कर रहा था मुझे, वर्ड उल्टे सीधे लिख रहा था। बट हाँ, उसको पता है वर्ड मैंने कैसे लिखने थे, पर बस वही ना उसकी आदत है मामा को तंग करना। तो बस शुक्र है होमवर्क मैंने इसको एक्चुअली जल्दी करा दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ पे होमवर्क 1 वीक के बाद देना है। जब मैंने इसको होमवर्क करवा दिया तो जब बाद में मैंने पढ़ा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाकी के दिन हम जो है ना वो रीडिंग टूडिंग कर लेंगे। नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं आपका फिर वेलकम करती हूँ। मेरा वेडनेसडे का डे स्टार्ट हो गया है, और मैं यहाँ डॉक्टर क्लिनिक में आई थी अरीशा को लेकर, और ख़ुद की मेरी अपॉइंटमेंट थी। अरीशा को एक्चुअली एलर्जिक हो गई है, तो उसकी वजह से मैंने कहा मैं एक बार डॉक्टर को चेक करा देती हूँ। स्किन काफ़ी इसकी रेड हो गई है, छोटे छोटे से इसके ऊपर नहीं दाने से निकले हैं, क्या है किसी से एलर्जिक हुई है उसका कोई पता नहीं है। फिलहाल आगे की बात आप खुद सुन लीजिए। डॉक्टर ने काफ़ी इसे अच्छी बातें की थी, वीडियो मैं पूरी नहीं बना सकी थी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। एनीवे, जितनी भी उसने बात की है स्कूल से लेके एलर्जी को लेके, वो आप देखिए सुनिए। Your hands is hands cool. Dikhao, neck dikhao. Is itchy? No, it doesn't do anything. Ye jo aap keh rahe the, ye wali bhi hai. Elbow pe dikhao, par elbow pe bhi thi na. Subah syrup mein dein. 5 ml subah shaam dena hai. Antihistamine. सिरप रिशा को दे दिया, दवाई रिशा को दे दी। मेरी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ विटामिन सी कमी थी। 3 मंथ का मुझे उन्होंने कोर्स दे दिया है करने के लिए। बस आ गए हम घर वापस, और घर आके मेरा दिल किया कुछ खाने को, तो मैंने जल्दी से कॉर्न बना लिया, क्योंकि कुछ और समझ ना आए तो कॉर्न निकालो, वो उबाल के उसमें ये सब चीज़ें डाल के खा लो।
यहाँ तक दी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको बड़ा सा बिग लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि मेरे घर का टूर कौन कौन करना चाहता है। मेरे घर में टूर मैं आपको लिविंग रूम, डाइनिंग और किचन का कराऊंगी। मुझे कमेंट से बताइएगा किस किस को मेरे घर का टूर करना है। तो अपना ख्याल रखिए, ढेर और ढेर से अपने घर में रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़।